हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो आज हम आपको क्लास 10 की फिजिक्स लेकर आए हैं। तो क्लास 10 की फिजिक्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रिज्म किसे कहते हैं। इससे पहले मैंने आपको मानोनेत्र और मानोनेत्र के दोषों के बारे में बता दिया था। मेरा ये वीडियो जो होगा वो प्रिज्म के ऊपर होगा, और प्रिज्म किसे कहते हैं और प्रिज्म से क्या क्या प्रकाशित घटनाएँ हो सकती हैं, मैं उनके बारे में अध्ययन करूँगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं प्रिज्म किसे कहते हैं। तो बेटा प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है, जो दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। देखिए, ये हमने एक प्रिज्म बनाने का प्रयास किया है। ये प्रिज्म आपको त्रिभुज नुमा दिख रहा है, लेकिन है प्रिज्म ही। प्रिज्म एक ऐसा, आप लिख सकते हो, प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। इस तरीके से देखिए, दो समतल पृष्ठों से ये घिरा है, ठीक है। दो समतल पृष्ठों से क्या होता है, घिरा होता है, और इन दोनों समतल पृष्ठों के बीच के कोण को, इस कोण को हम अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहते हैं। ये जो कोण ए है, इसको हम अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहते हैं। तथा अब देखिए, ये दो, अब इस तरीके से मान लीजिए, एक समतल पृष्ठ ये हो गया, एक समतल पृष्ठ ये हो गया। इस तरीके से प्रिज्म बनता है, और इसका एक आधार होता है, आधार को मैंने क्या किया है, नीचे बना दिया है। उतने ठीक है, आप प्रिज्म की परिभाषा लिख सकते हैं, आप नोट करिए प्रिज्म की परिभाषा। लेकिन प्रिज्म किसी पारदर्शी माध्यम के उस भाग को कहते हैं, जो कि किसी कोण पर झुके हुए, दो समतल पृष्ठों के बीच में स्थित होता है। दो समतल पृष्ठों के बीच में झुका होता है, इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ, तथा इनके बीच के कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं, तथा दोनों पृष्ठों को मिलाने वाली रेखा को, ये दो, एक ये पृष्ठ ये हुआ, इन पृष्ठों को कौन सी रेखा मिला रही है, ये वाली रेखा, या ये पृष्ठ मिला रहा, इन दोनों पृष्ठों को मिलाने वाली रेखा को अपवर्तक कोर कहते हैं, कोई समस्या? ये आपके क्या है, ये वाला पृष्ठ अपवर्तक पृष्ठ है, यह भी पृष्ठ, मतलब ये कह सकते हो ए बी और ए सी आपका क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है, और BC क्या है, एक आधार की तरह काम कर रहा है, इसी को हम अपवर्तक कोर भी कहते हैं, लेकिन हम इनको मानते हैं। ये क्या है, BC एक आधार है, और ये जो कोण A है, इसको हम अपवर्तक कोण कहते हैं, और अपवर्तक कोण को ही हम प्रिज्म कोण कहते हैं। सामान्यतः आप के जो प्रायोगिक लैब होता है, वहां पर जो प्रिज्म होता है उसकी वैल्यू 60 अंश होती, इसलिए आप याद रखिएगा, लैब में जो आपको प्रिज्म कोण मिलेगा वो कितना होगा, प्रिज्म कोण कितने अंश के प्रिज्म कोण का प्रिज्म होगा, वह 60 अंश के। वैसे तो बहुत वैल्यू की आ सकती हैं, 5 अंश का भी प्रिज्म कोण हो सकता है, 10 अंश का भी प्रिज्म कोण हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का प्रिज्म लिए हैं। तो आपको प्रिज्म समझ में आ गया। अगली हेडिंग डालिए आप लोग, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन। चलिए देखिए, थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए बेटा, एक ए बी सी एक प्रिज्म है, पहले थ्योरी समझिए, आराम से इसको समझ में आ जाएगा। माना ए बी सी एक क्या है, प्रिज्म है। ये देखिए, ये एक अभिलंब डाला हमने इस तरीके से, ये देखिए अभिलंब डाला है, ये क्या है आपका, ये एक अपवर्तक पृष्ठ है, मतलब यहाँ कोई प्रकाश किरण पड़ेगी तो क्या हो जाएगी, अपने मार्ग से भटक जाएगी दूसरे माध्यम में। देखिए, ये प्रिज्म किसका बना है, कांच का बना है, और इसके इधर क्या है, वायु है, यह कांच है, कांच के बाहर इधर भी क्या है, वायु है। हमने ये क्या बना दिया, अभिलंब बना दिया। देखिए, हमने क्या किया, एक आपतित किरण PQ को इस पृष्ठ पर आपतित कराया। ध्यान दीजिएगा,
हमने एक आपतित किरण PQ को इस पृष्ठ पर क्या कराया, आपतित कराया। जैसे हमने आपतित कराया यह दूसरे माध्यम में जाएगी, लेकिन यह प्रकाश किरण ब्रिल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, इसलिए बेटा क्या हो गई, अभिलंब की तरफ क्या हो गई, झुक गई। इसलिए यह प्रकाश किरण क्या हो गई, अभिलंब की तरफ, देखिए क्या हो गई, झुक गई। और यह सीधी QR दिशा में, ये QR है, यह सीधी QR दिशा में आगे निकल गई, QR दिशा में आगे निकल गई। लेकिन जैसे ही यह QR प्रकाश किरण इस दूसरे अपवर्तक पृष्ठ AC पर पड़ेगी, फिर ये क्या होगी, बाहर निकलेगी। लेकिन ये QR प्रकाश किरण इस पृष्ठ के लिए तो आपतित किरण की तरह काम करेगी, लेकिन अब आप देख रहे हैं आपतित किरण की तरह काम कर रही है, यह भी एक अभिलंब डाला गया है, लेकिन बेटा यहां पर प्रकाश किरण सघन माध्यम से ब्रिल माध्यम में जा रही है, इसलिए यह क्या हो रही है, अभिलंब से दूर हट जा रही है, अभिलंब से दूर हट जा रही है। तो हम कह सकते हैं यहां पर PQ जो है आपकी आपतित किरण है, और RS जो है निर्गत किरण है। PQ कैसी किरण है, आपतित किरण है, और RS क्या है, आपकी निर्गत किरण है। तो यानी आप बता सकते हो कि जब हम किसी प्रकाश किरण को किसी प्रिज्म पर आपतित करते हैं तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अतः हम यह भी बता सकते हैं कि यह प्रिज्म ABC, ये जो प्रिज्म है ABC, यह प्रकाश किरण PQ को, ये जो प्रिज्म ABC है, इसके AB पृष्ठ पर आपतित किरण PQ आपतित हो रही है, आपतित किरण PQ आपतित हो रही है, और यह RS दिशा में क्या हो जा रही है, विचलित हो जा रही है। RS दिशा में क्या हो जा रही है, विचलित हो जा रही है। चलिए अगली हेडिंग आ लिए विचलन कोण। किसे कहते हैं, लिखे इसमें, देखिए हमने क्या किया है, आपतित किरण को आगे बढ़ाया और ये निर्गत किरण को हमने पीछे बढ़ाया। तो दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को कहां काट रही है, मान लीजिए बिंदु डी पर काट रही है। आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण RS को पीछे बढ़ाने पर ये एक दूसरे को बिंदु डी पर काटती हैं, और इन दोनों किरणों के बीच ये जो कोण बन रहा है बेटा, डेल्टा, इसको हम डेल्टा कहते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, ये जो डेल्टा है इसी को हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। तो आप बताएंगे आपतित किरण PQ को आगे बढ़ाने, विचलन कोण की परिभाषा लिख सकते हो, आपतित किरण PQ को आगे बढ़ाने तथा निर्गत किरण RS को पीछे बढ़ाने पर जिन बिंदुओं पर यह काटता है और उन बिंदुओं के बीच, या ऐसे कह सकते हो इन दोनों किरणों के बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। लिख लीजिए विचलन कोण की परिभाषा, लिखिए आपतित किरण PQ को आगे बढ़ाने पर तथा निर्गत किरण RS को पीछे बढ़ाने पर वे बिंदु D पर काटती हैं, या ये दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु D पर काटती हैं, एक दूसरे को बिंदु D पर काटती हैं, इन दोनों किरणों के बीच बने कोण को विचलन कोण डेल्टा कहते हैं, विचलन कोण डेल्टा कहते हैं। अगले हेडिंग आ लिए अल्पतम विचलन कोण, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हेडिंग आ लिए अल्पतम विचलन कोण, एक चीज लिख लीजिए। देखिए किसी विशेष आपतन कोण के लिए जब विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है, किसी विशेष आपतन कोण के लिए जब विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है तब उसे अल्पतम विचलन कोण कहते हैं, तब उसे अल्पतम विचलन कोण कहते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हो किसी विशेष आपतन कोण के लिए जब विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है तो इसी न्यूनतम विचलन कोण को हम अल्पतम विचलन कोण कहते हैं।
तो लिखिए अल्पतम विचलन कोण को डेल्टा डेल्टा सफिक्स में यम सफिक्स में एम से प्रदर्शित करते हैं। यम से प्रदर्शित करते हैं। एक इंपॉर्टेंट नोट लिखिए, पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, नोट में लिखिए लिखिए नोट में लिखिए लिखिए बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है, बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए विचलन कोण न्यूनतम सॉरी बैंगनी रंग के प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण अधिकतम, बैंगनी रंग के प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण अधिकतम तथा लाल रंग के प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण न्यूनतम होता है। बैंगनी रंग के प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण अधिकतम तथा लाल रंग के लिए लाल रंग के प्रकाश के लिए विचलन कोण न्यूनतम होता है। इसमें एक पॉइंट और बढ़ा लीजिए, देखिए बैंगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक अधिक, बैंगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक अधिक, बैंगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक अधिक, अपवर्तनांक वगैरह के बारे में बहुत अच्छे से बताएं इससे पहले रिलेशन में, बैंगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक तथा लाल रंग के लिए प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। एक पॉइंट और लिखिए नोट में ही, लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक, लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक, लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक तथा बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। ईच एंड एवरी पॉइंट को आप नोट करते रहिए। चलिए एक 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 तो क्वेश्चन लिखिए, ये क्वेश्चन क्या आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख सकते हो, नोट करिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब कॉपी में रखना अच्छे से लिखिए। जब कोई सूर्य की प्रकाश की किरण जब कोई श्वेत प्रकाश या सूर्य की किरण जब कोई सूर्य की किरण या जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म में से गुजारी जाती है तो वह सात रंगों में विभक्त हो जाती है सात रंग के प्रकाश किरणों में विभक्त हो जाती है। मतलब कहने का यह है कि प्रिज्म के इधर जब तक प्रकाश किरण है तो कितने वो एक रंग है उसका कलर क्या होगा, व्हाइट होगा, लेकिन जैसे ही प्रिज्म से बाहर निकलेगी वह सात रंगों में क्या हो जाएगी बेटा, विभक्त हो जाएगी। सातों कलर का नाम नोट कर लो आप लोग, शॉर्ट में एक ट्रिक याद कर लीजिए, बिब ग्योर नोट करिए। वी का मतलब होता है वायलेट, वी का मतलब होगा वायलेट, वायलेट मतलब बैगनी, आई मतलब हो गया इंडिगो, इंडिगो मतलब जामुनी नीला या जमुकी नीला, ब्लू मतलब ब्लू, बीस में ब्लू, ब्लू मतलब आसमान नीला हल्का नीला, जी मतलब ग्रीन, वाई मतलब येलो, येलो मतलब पीला, ओ मतलब ऑरेंज और आर मतलब क्या रेड। इन्हीं सात रंगों में बेटा क्या होता है, विभक्त होता है। आपको सातों कलर याद करने में आसानी होगी। सबसे पहले क्या है, वायलेट है, सबसे लास्ट में क्या है, रेड है। मैंने बताया सबसे कम अपवर्तनांक किसका होगा, लाल का, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होगा, बैंगनी का, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होगी, लाल की, सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होगी, बैंगनी की, ठीक है। मैंने बताया सबसे ज्यादा विचलन कोण किसका होगा, बैंगनी का, सबसे कम विचलन कोण किसका होगा, लाल रंग का, लाल रंग के प्रकाश किरण का, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म में से गुजरेगी तो वह कितने रंगों में विभक्त हो जाएगी, सात रंगों में विभक्त हो जाएगी। चलिए अगले हेडिंग आ लिए, नेक्स्ट हेडिंग आ लिए वर्ण विक्षेपण।
हेडिंग आ लिए वर्ड विक्षेपण, वर्ड विक्षेपण इंपॉर्टेंट है, हेडिंग आ लिए वर्ड विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण लिखिए। जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म में से गुजरती है, किसी प्रिज्म में से गुजरती है, किसी प्रिज्म में से गुजरती है, तो श्वेत प्रकाश की किरण अपने अवयव रंगों में विभक्त हो जाती है, तो श्वेत प्रकाश की किरण अपने अवयव रंगों में विभक्त हो जाती है, तो श्वेत प्रकाश की किरण अपने अवयव रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अरे देखिए कहा गया जब कोई प्रकाश की किरण या श्वेत प्रकाश, देखिए चाहे हम प्रकाश किरण बात करें चाहे श्वेत प्रकाश की बात करें दोनों एक ही चीज है। कहा गया प्रिज्म में से गुजरती है तो सात रंगों में क्या हो जाती है, सॉरी अपने अवयव रंगों में क्या होती है, विभक्त हो जाती है। तो बेटा जो अवयव रंग है वही क्या है आपकी, यही सात रंग है। इन्हीं अपने अवयव रंगों में विभक्त होने का मतलब ये इन्हीं सात कलर के प्रकाश में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आगे तो और भी टॉपिक आपके हैं जो पढ़ाने थे लेकिन वो कोर्स से आउट हो चुके हैं, इसलिए इसी के साथ आपका पूरी तरीके से जो प्रकाश की यूनिट थी इस यूनिट से लगभग आपका 14 से 15 नंबर का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, 14 से 15 नंबर का क्वेश्चन मतलब 25 नंबर का टोटल पेपर होगा, 25 नंबर का फिजिक्स टोटल पेपर होगा, इसी यूनिट से आपके 14 से 15 नंबर के पेपर बनेंगे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर न्यूमेरिकल को, अभी न्यूमेरिकल मैंने नहीं पढ़ाया है तो न्यूमेरिकल अगर हटा दिया जाए तो लगभग 14 से 15 नंबर के प्रश्न आपके बन जाते हैं इसी टॉपिक से। एक इंपॉर्टेंट हेडिंग है, हो सकता है आपको क्वेश्चन बन जाए, मैं लिखा देता हूं आपको हेडिंग वाली, छोटी सी हेडिंग है, हेडिंग आ लिए अपवर्तनांक तथा विचलन कोण में संबंध, अपवर्तनांक तथा विचलन कोण में संबंध, हेडिंग आ लिए अपवर्तनांक तथा विचलन कोण में संबंध। एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए बस, देखिए यन बराबर साइन ए, या ऐसे लिखिए थोड़ी सी थ्योरी लिखिए तब ज्यादा सही पड़ेगा, देखिए माना किसी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक स्मॉल एन, माना किसी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक स्मॉल एन, प्रिज्म कोण कैपिटल ए तथा अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम हो तो महिला लिखिए संबंध नोट कर लीजिए, यन बराबर होगा साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन टू पूरे का बटा साइन ए बटे दो। इस फॉर्मूले को आप बॉक्स बना सकते हो, ये जो बटे दो है पूरा कोण के साथ है, पूरे को बॉक्स बना सकते हो और इस इक्वेशन को आप नोट कर सकते हो, ठीक है। यहां ए क्या है, प्रिज्म कोण है, डेल्टा एम क्या है आपका, अल्पतम विचलन कोण है, एन क्या है जो प्रिज्म आपने लिया है उसका क्या है अपवर्तनांक है। हमने आपको एक क्वेश्चन, आप एक नोट लिख लीजिए, चलिए ठीक कोई बात, सब बता चुके हैं किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक ज्यादा होगा,
बैंगनी का अपवर्तनांक ज्यादा और लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आपकी लाइट की पूरी यूनिट समाप्त होती है। इसके बाद मेरा जो सेशन होगा वो न्यूमेरिकल सेशन होगा, तब मैं आपको विद्युत वाली यूनिट चालू करूंगा। आई होप आपको वीडियोज अच्छे लगे होंगे। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा है वो सबसे पहले क्या करें, मेरे वीडियो को जाकर देख लें। और हाँ बेटा, कम से कम जितने मेरे स्टूडेंट हैं कम से कम 10-10 सब्सक्राइबर सब लोग मेरे करवाइए, फायदा आपका होगा। फायदा क्या होगा मैं बता देता हूँ। जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे, लगभग 520-25 सब्सक्राइबर मेरे हो चुके हैं, जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे तुरंत मैं लाइव आने लगूंगा, यूट्यूब पे लाइव आऊंगा। तो ये जो अनुभव आप ले रहे हो ऑफलाइन क्लास की तरह, मतलब कि ऐसे लग रहा है कि कोई पढ़ा दिया आप पढ़ लिए हो, तो आप डायरेक्ट लाइव आने से क्या होगा, आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हो सीधे यूट्यूब पे। टारगेट कितना है 1000। अगर आप मेरे पास 30 स्टूडेंट भी हैं हाई स्कूल के, 30 स्टूडेंट डेली पढ़ते हैं हमसे, तो अगर वो 10-10 सब्सक्राइबर करवाते हैं, जितना हो सके उतना करवाइए आप, तो सीधे 300 सब्सक्राइबर हमारे होंगे। इससे क्या होगा कि 1000 का टारगेट भी कंप्लीट होगा, और 1000 टारगेट कंप्लीट होने के बाद मैं सीधे लाइव आ सकता हूं। तो मैं और भी क्लासेज, आप जैसे केमिस्ट्री क्लासेस, फिजिक्स की क्लासेस, मैथ क्लासेज आपको मैं चलवा सकता हूं। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, और वीडियो पर कमेंट जरूर करिए कैसा लगा आपको। धन्यवाद।